अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के सिलसिले में एक बहुत बड़ी चीज को, बहुत बड़ी रुकावट जो बनती है हमारे समाज के अंदर, आज का सबसे बड़ा मसला अगर है निकाह का तो यही मसला है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर छेड़ा है। अल्लाह फरमाता है वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम ए यकूनु फुकरा युग्निहिमुल्लाह मिन फज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐ मुस्लिम समाज के लोगों, ऐ जिम्मेदार किस्म के लोगों, अपने में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे इलाके में जो नौजवान मर्द, नौजवान लड़के या लड़कियां गैर शादीशुदा हो उनका निकाह करवा दो, उनका रिश्ता करवा दो, उनके लिए अक़्द निकाह का इंतजाम करवा दो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और सिर्फ आजाद नहीं, अगर गुलाम भी हैं, लौडिया भी हैं, लेकिन वो नेक हैं, साले हैं, तो उनका भी रिश्ता निकाह कर दिया करो। ये अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दे दिया है, जो भी निकाह के रिश्ते के लायक हो चुके हैं, खाह वो आजाद हों कि गुलाम हों, मर्द हों कि औरतें हों, यानी मुजक्कर हों कि मुअन्नस हों, लड़के और लड़कियां जो गैर शादीशुदा हैं उनका रिश्ते निकाह करवा दो, उनकी शादी करा दो। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है इन यकूनु फुकरा युग्निहिमुल्लाहु मिन फज़लिहि, अगर ये फकीर होंगे, मोहताज होंगे, इनके पास माल और दौलत की कमी होगी, जरूरियात जिंदगी की कमी होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से इन्हें मालदार बना देगा। मालदार बनना है तो तुम्हें निकाह करने का रास्ता अपनाना चाहिए। लोग कहते हैं हमारे पास अभी वसाइल नहीं है, हमारे पास जराए नहीं है, हमारे पास अभी इंतजाम नहीं है शादी का। इसलिए मेरे भाइयों, बच्चियों की उम्र 25 साल 30 साल तक हो जा रही है, 35 साल तक पहुंच जाती है। बहुत सारे लड़के हैं जो लड़के ना रहे, बूढ़े बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए। मेरे भाई, ये इसके पीछे बहाना क्या है? माल नहीं है, असबाब नहीं है, अभी जीने का सहारा नहीं है हमारे पास, अभी पैर पर खड़ा नहीं हुआ है, न जाने किस बुढ़ापे की उम्र का इंतजार कर रहा है। मेरे भाई, ये उसूल के खिलाफ है। अल्लाह फरमाता है अगर तुम अपनी मालदारी चाहते हो, फकीरी को खत्म करके मालदार बनना चाहते हो, तो उसका फार्मूला ये है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक निकाह के बंधन में बच जाओ, अल्लाह तुम्हें अपने फजल से मालदार बना देगा। जब तुम्हें जरूरियाती जिंदगी की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें बाल बच्चों के खराजात की जरूरत पड़ेगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से तुम्हें मालदार बना देगा। तो बाज़ लोग सोचते हैं कि मालदार हो जाएंगे, असबाब जिंदगी फराहम हो जाएगा, तब जाकर के हम निकाह करेंगे। मेरे भाई, आपको नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शायद वो मालदारी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो शादी से पहले नहीं है, शादी के बाद है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसलिए मालदारी की रुकावट को ना लाओ। इस रुकावट की वजह से जिनाकारी आम हो रही है, बदकारी आम हो रही है। आजकल के मीडिया के दौर में फहाशी का बड़ा आसान रास्ता खुलता चला जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो बहुत सारी बातें मैं आपको बता दूं। अल्लाह तबारक व तआला ने शादी को बड़ा आसान किया है, बहुत ही आसान किया है शादी को, और इसीलिए आसान किया है ताकि आसानी के साथ लोग शादी कर सकें। मैं आपको रुसूमात निकाह बताना चाह रहा हूं कि निकाह में कैसी कैसी रस्में हमारे समाज में, सोसाइटी में, मुसलमानों में दराई हैं, जिसकी वजह से शादियां मुश्किल हो गई हैं, सुन्नत से हट गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से ये शादियां और निकाह के रिश्ते दूर जा रहे हैं। यही वजह है कि निकाह की बरकतें नहीं हैं, निकाह के अंदर जो रहमत पाई जानी चाहिए वो नहीं मौजूद है। निकाह की वजह से इंसानी जिंदगी में जो सुकून आना चाहिए, जो राहत पैदा होनी चाहिए, वो मफकूद दिखाई देता है।